नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुतुब मिनार और मैं हूं लाल बिहारी लाल। दिल्ली में 12 दिन ओड इवन चलाने के बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है कि इसके लिए अस्थायी समाधान निकाला जाए। ये तत्कालिक समाधान से कुछ होने वाला नहीं है और दिल्ली की आबोहवा कोई एक दिन में खराब नहीं हुई है। इसके प्रकाश जावड़ेकर जी भी कहते हैं, माननीय केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री, या मैं भी मानता हूँ कि दिल्ली की हवा जो है एक दिन में खराब नहीं है। तो दिल्ली के, अगर सबको पता है कि दिल्ली की हवा एक दिन में खराब नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए अस्थायी समाधान की जरूरत है। इसके लिए जो संबंधित एजेंसियाँ हैं वो उनको आगे आना होगा और इसका अस्थायी समाधान करना होगा। जब दिल्ली में ओड इवन 4 नवंबर को शुरुआत हुई थी, तो उस दिन जो है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स और दिल्ली और एनसीआर की लगभग 300 के आसपास थी, और ये जब खत्म हो गया 15 तारीख को, तो उस दिन शाम में जो है कि लगभग दिल्ली और एनसीआर के हर शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 से 500, कुछ तो 500 से भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी थी। 500 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो बहुत ही गंभीर अवस्था में, चिंताजनक स्थिति में, इसको कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं। अगर बात करें तो लगभग 200 तक है तो सामान्य है, अगर 200 से 300 के बीच में है तो खराब है, और 301 से 400 के बीच में है तो बहुत ही खराब है, अगर 400 से ऊपर है तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है जो मेडिकल इमरजेंसी का स्थिति कहा जा सकता है। इससे कारण क्या होगा कि बड़े बुजुर्गों, बच्चों को भी काफ़ी स्वास्थ्य के संबंधी बीमारियां होगी। और बात करें दिल्ली और एनसीआर के हॉस्पिटलों में जो है कि रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए मरीजों की संख्या लगभग 30 से 40% हर हॉस्पिटलों में, प्राइवेट सरकारी में, बढ़ चुकी है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इसका स्थायी समाधान करे और जो है तभी जाके इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो प्रदूषण का मानक है 10 PM वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो लगभग 100 होना चाहिए वो भी लगभग 300-400 चल रहा है, और अगर 2.5 PM की बात करें तो 60 होना चाहिए। भारत के जो WHO का मानक है वो 60 होना चाहिए, वो भी जो है कि सैकड़ों में चल रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, इसके लिए दिल्ली और NCR के सभी राज्यों को पहल करनी पड़ेगी, तभी जाके दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार होगा, और नहीं तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर यही स्थिति रहा तो। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार कोई अस्थायी समाधान करे, पेड़ पौधे लगाए, लोगों को जागरूक करे, वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दुरुस्त करे ताकि लोग को एयर पोल्यूशन कम से कम हो और लोग जो उसको स्वस्थ जीवन दिल्ली में जी सके। और NCR में सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।